आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के, एक ग्राम यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में द्रव्यमान क्षति जो है वो इतनी होती है, एक ग्राम में, ठीक है। और पावर हाउस में हमसे बोला गया है कि नाभिकीय विखंडन रिएक्टर की दक्षता जो है वो इतनी है 20%। तो पावर हाउस से 400 मेगावाट शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रति घंटे कितना यूरेनियम आवश्यक होगा हमसे पूछा गया है। विकल्प आपके पास ये है अ, ब, स और ये दिया गया है द। तो बच्चों हमें कितनी शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति आवश्यकता ये पहले लिख लेते हैं। ये है मेरे पास में 400 मेगावाट, ठीक है, और वो भी कितना प्रति घंटा, है ना, यानी कि इनटू एक घंटा, ठीक है। तो ये बराबर कितनी हो जाएगी, शक्ति तो ये थी हमारे पास में, तब इसको जूल में परिवर्तित करेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, यहां से जूल में, यानी कि ऊर्जा के लिए, ठीक है, ऊर्जा के लिए, नॉट शक्ति आवश्यकता, ऊर्जा के लिए हमें इतना चाहिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास में 400 गुणा 10 की घात 6, है ना, 10 की घात 6 इंटू 3600, ठीक है। हल किया तो ये 3600 144, ठीक है, और गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये 6 4 10, ठीक है, इतना जूल हमें चाहिए, ठीक है। ये तो मेरे पास में आ गया। अब हमसे बोला गया है कि जो रिएक्टर की दक्षता है ये दी गई है बच्चों हमारे को 20%, ठीक है। तो यहां से जो हमारे पास में ऊर्जा का मान आ जाएगा E बराबर, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 144 गुणा 10 की घात 10 है और इसकी 20% है, यानी कि 20 गुणा 100, ठीक है। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहां से निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 72 गुणा 10 की घात 11 जूल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और जो द्रव्यमान क्षति हो रही है वो भी देख लीजिए, यहां से जो हमको बोला गया है द्रव्यमान क्षति, ठीक है, द्रव्यमान क्षति, है ना, द्रव्यमान क्षति के कारण मान लीजिए डेल्टा एम हो रही है, डेल्टा एम के जी, ठीक है। तो इसमें जो ऊर्जा सही, इससे जो ऊर्जा संचित है वो कितनी है, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां से यही वाली E इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि जो मेरे पास में डेल्टा एम का मान आ जाएगा वो बराबर कितना आ जाएगा, 72 गुणा 10 की घात 11 और बटे में कितना, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब 9 गुणा 10 की घात, भाई सी तो आप जानते हो ना, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका करेंगे तो 8 × 2 = 16, ठीक है। तो 9 × 8 = 72, यानी कि 8 × 10 की घात -5, है ना, और ये केजी में आ जाएगा, ठीक है। इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 × 10 की घात -2 ग्राम, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.08 ग्राम के बराबर, ठीक है, ये इतना है। तब हमसे बोला गया है कि एक ग्राम में कितनी होती है, एक ग्राम में से द्रव्यमान क्षति होती है इतनी, ठीक है, 0.90 मिलीग्राम, ठीक है, 0.90 मिलीग्राम होती है, ठीक। तो यहां से जो डेल्टा एम डैश आ जाएगा वो बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, डेल्टा एम डैश जो अब द्रव्यमान क्षति हो जाएगी नई, वो बराबर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 ग्राम गुणा, है ना, इसमें कितनी हो रही है 0.08 बटे, और उसमें कितनी हो रही थी हमारे पास में 0.90 मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम। तो मिलीग्राम कीजिएगा, 0.90 मिलीग्राम 10 की घात -3, ठीक है। हल कर लेते हैं तो यहां से जो मेरे पास में मान आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 88.89, है ना, इसके बराबर आ जाएगा किसमें, ग्राम के अंदर, ठीक है, ये मेरे पास में उत्तर आ जाएगा। तो यही जो है लगभग बराबर किसके आ रहा है, हमारे आंसर्स में देख लेते हैं, तो जो लगभग बराबर आ रहा है बच्चों ये वाला हमारे पास में वहां पर वो 88 के बराबर आ रहा है, ठीक है, ये 88 के बराबर आ रहा है, अ हमारा सही है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।